फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने हमारा मंदिर कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इस वीडियो के हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो इसलिए हम इसे बना रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉवर में हमने कैसे सामान ऑर्गेनाइज किया है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्रॉवर बहुत डीप है। सबसे पहले तो हमने हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल का चोपड़ा रखा हुआ है, जिसमें एक छोटी सी चम्मच भी है। प्लास्टिक की स्पून भी आप ले सकते हैं। ये छोटी सी चम्मच का क्या यूज़ है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो हमने हल्दी, रोली, कुमकुम, मूंग, चावल सब रखा है। ये देखिए जो बॉक्स है, इसमें हमने जो एक्स्ट्रा हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल सब भर के रखा हुआ है। चावल नहीं रखे हैं क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे किचन में होता ही है। तो इससे छोटी सी चम्मच का क्या यूज़ है, इससे हम आसानी से चोपड़े में हमारा सामान भर सकते हैं। हमने मेहंदी भी रखी है, चंदन भी रखा है, जो भी पूजा में सामान रखते हैं हम एक्स्ट्रा जो होता है वो इसमें रखते हैं। और इससे भी जो बड़े जार्स होते हैं वो आप अपने एक्स्ट्रा स्टोरेज में रख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा बॉक्स है, ये जो लॉक एंड सील वाला बॉक्स है, इसमें देखेंगे अब क्या है। इसमें जो हमें मतलब ज़्यादातर पूजा में सामान लगता है वो हमें हमारे घर पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मोली है, उसके बाद ये इत्र है, एक्स्ट्रा इत्र की बोतल है, फिर ये सुपारी है, इसमें छोटी वाली सुपारी, इसमें है हवन सामग्री। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, ये चंदन की डिब्बियाँ, रोली की डिब्बियाँ खाली होती रहती हैं, उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें इलायची, लौंग, वो सारा हवन का सामान है। फिर वो हमारा पीला चंदन था और ये लाल सिंदूर, ये ऑरेंज सिंदूर है जो हनुमान जी को चढ़ता है। इसी के साथ इसमें लोबान है और ये दो चंदन की बॉटल है, डब्बी बॉटल। ये देखिए इसमें चंदन है। इसके बाद हमने जो मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, डेली जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो रखा है, बादाम, किशमिश। इसी के साथ हमने मिश्री भी रखी है, आप कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला सामान होता है वो सब हमें आगे की साइड रखना चाहिए। फिर ये कुछ टॉवल्स हैं जिसे भगवान को स्नान करा के पूछते हैं। फिर ये अगरबत्ती, धूप बत्ती दोनों चीज़ें हैं। और ये भगवान की चुंदड़ी, मंदिर में बिछाने के कपड़े, पाटे पे बिछाने के कपड़े, वो सारे उस पन्नी में हैं। इसके बाद यहाँ पीछे और लोबान है। इसी के साथ साथ हमने गंगा जल भी रखा है। अगर आपको ऐसी बॉटल्स मार्केट में मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने घर की कोई प्लास्टिक की बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं। और ये गौमूत्र है, गंगा जल, गौमूत्र, ऐसी सारी चीज़ें आपको अपने घर में रखनी चाहिए, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। ये देखिए, फिर ये डब्बे में आप कोई से भी डब्बे में अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने सारा मिसेलेनियस सामान स्टोर किया है, जैसे भगवान का चढ़ावा, मुकुट, कृष्णा जी के मोर पंख, प्रसाद एक्स्ट्रा जो मंदिर से मिलते हैं वो सब। फिर इसमें जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो सामग्रियाँ, जैसे ये अक्षत के पैकेट हैं, फिर ये काले तिल हैं, ये न्यू पैकेट है जो बत्तियों का लगता है, न्यू हमें हमेशा रखना चाहिए, ये बड़ी सुपारी है पूजा वाली, और ये पूजा के बादाम हैं। हमें एक्स्ट्रा सामान भी रखना चाहिए पूजा का घर पे। ये देखिए, ये चावल के अक्षत हैं। और फिर हमने ये जो ज़्यादातर बुक्स हमारे काम में आ जाती हैं, जैसे व्रत कथाएँ, चालीसा, 12 महीनों की त्यौहार की किताबें, सुंदरकांड, ये सब हमने यहाँ रखा। इसके अलावा आरती की किताबें, जो भगवद गीता हो गई, रामायण हो गई, वो सब हमने हमारे बुक स्टोर में ही रखा है। आप अपनी बुक्स की अलमारी में वो सारी बुक्स रख सकते हैं। इसमें जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं जो कभी भी लग सकती हैं यूज़ में, वो बुक्स हमने रखी है। हमने ड्रॉवर के नीचे न्यूज़पेपर भी बिछाया है। तो ये देखिए, यही सारा सामान हमने हमारी ड्रॉवर में रखा है। अगर आपके मंदिर में ड्रॉवर नहीं है या छोटी ड्रॉवर है तो कार्टन में भी रख सकते हैं। अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर की सारी दीवारों पे हमने ये जो पैकिंग पेपर मिलता है ना मार्केट में, वो लगा रखा है। आप कोई सा भी अच्छा सा पेपर लगा सकते हैं, तो वो वॉलपेपर जैसा लगेगा। और मंदिर में हमने ये छोटी छोटी कीलें ठोक रखी हैं। अब हम मंदिर को साफ कर लेंगे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर हम सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछाएंगे और न्यूज़पेपर के ऊपर हम हमारा जो भी कपड़ा बिछा रहे हैं वो कपड़ा बिछाएंगे। तो ये देखिए, हमने कपड़ा बिछा लिया है, ये हमने अपना पूरा मंदिर साफ कर लिया है। और अब हम भगवान की भी मूर्ति भगवान के टॉवल से पूछ के अच्छे से मंदिर में सजाएंगे। और ये देखिए, अब जो ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं हम इन्हें नीचे ही रखते हैं, इसलिए मंदिर बहुत घिरा घिरा लगता है।
तो इनको आप अपने मंदिर की वॉल्स पे टांग सकते हैं ऐसी छोटी कीले लगा के। ये देखिए हमने सारे भगवानों को अच्छे से मंदिर में विराजित कर दिया है। जितनी भी मूर्तियाँ थी, छोटी फोटोज थी, उन्हें हमने मंदिर के जमीन पे बिठाया है। सुपारी माता का सिक्का और अन्नपूर्णा माता को हमेशा चावलों में बैठाते हैं, इसलिए उन्हें हमने चावलों की कटोरी में बैठाया है। और बाकी जितनी भी तस्वीरें थी उनको हमने दीवार पे टांग दिया है मंदिर की। ये देखिए फिर हमने यहाँ हमारे रोली चावल का चोपड़ा रखा है, घंटी रखी है और इत्र रखी है। यहाँ हमने ऐसा ही एक नॉर्मल दिया रखा है जिसमें से खुशबू आती है। और ये भी हमारे मंदिर में एक ये स्लाइडिंग स्पेस है जहाँ दिया रख सकते हैं, पर वहाँ दिया नहीं रखना चाहिए क्योंकि आग लगने का डर होता है लकड़ी पे। तो हमने एक नीचे पाटे पे या ज़मीन पे भी रखा जा सकता है। यहाँ हमने रंगोली रखी है, फिर ये चंदन रखा है, तिल का तेल जिसमें हम दिया जलाते हैं, जिसमें आप दिया जलाते हो आप वो तेल या घी रख सकते हैं। फिर यहाँ खुली हुई बत्तियों का पैकेट, जो ज़्यादा सामान लगता है वो हमने बाहर ही रखा है। और हमने यहाँ एक तोते का जोड़ा टांगा है क्योंकि ये टांगना शुभ होता है, अगर आपको मिले तो आपको भी ज़रूर टांगना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।